बेहतरीन उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने 2019 के इस आम चुनाव में रण में उतारे हैं और ये आज के जो 6 और आने वाले जो 4 उम्मीदवार होंगे यही अगले हरियाणा के 10 के 10 सांसद होंगे। हमने पहले ही कहा है इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। आज 14.5 करोड़ बेरोजगार इस भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की देन है। आज प्रदेश के अंदर अलग से जो भ्रष्टाचार के मामले निकल कर के आए, देश के अंदर निकल के आए हैं, राफेल का मामला है, बड़े बड़े जो महापूंजीपति हैं उनको मोदी मॉडल के माध्यम से पैसा ले लेके जो भगाने का काम किया है वो मुद्दा है। हमारे जो किसानों के मुद्दे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, उसके साथ साथ लगातार पिछड़ापन है, प्रदेश को बार बार जलाया गया, मुल्क के अंदर जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण था उसको खत्म किया गया, जहर की राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और कल ही आर्मी के जो चीफ हैं उन्होंने सबने मिलकर के बड़े बड़े आला अधिकारियों ने कहा कि सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं खुद एक सैनिक परिवार से हूँ तो तमाम मुद्दों को लेकर के हम जाएंगे। आज प्रदेश और देश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार है, आज माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, आज छोटा दुकानदार और व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कर्मचारियों के लिए जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, और इसी तरीके से अकलियत और हमारा पिछड़ा वर्ग है वो अधिकारों से जो वंचित रहा है, ये तमाम बातें लेकर के जाएंगे। और घोषणा पत्र जो खुद भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था वही वो पूरा नहीं कर पाए, वो लोगों के सामने प्रस्तुत करें। ये सब अवसरवाद पर आधारित गठबंधन है। अकाली दल पहले यहाँ इनेलो के साथ थी, इनेलो खत्म होगी तो किसी और के साथ लगी, ये उस थ्योरी में विश्वास करते हैं। लाडो ले लेगी पर फिर एक मर जाए तो और बतेरे, एक मर की दूसरे के साथ चले गए। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि जेजेपी और आम आदमी का है कोई इसके अंदर ज़्यादा दम लगता नहीं है। कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ हर सीट के ऊपर विजयश्री हासिल करेगी। देखिए माँ के आंचल में तो सबको ही छुपना है और माँ का आंचल जिसको मिला है वो सौभाग्यशाली लोग होते हैं। ये अनिल विज का मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि बुद्धि खराब है या कहाँ पर इनके समस्या है, ये इसी तरीके से छोटी हरकतें करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि जनता आने वाले समय में अभी लोकसभा में सबक सिखाएगी और आने वाले विधानसभा में अनिल विज से लेकर के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रिमंडल को पता चलेगा कि नौजवान जब अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, कल करनाल के अंदर जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया उनको, ये नौजवानों के ऊपर लड़कियां नहीं छोड़ी, टीचर नहीं छोड़े, तो ये तमाम मुद्दे हैं। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर अनिल विज कुछ नहीं बोलते, एक लड़का वहाँ पर मारा गया, बाकी गंभीर रूप से घायल हुए, तो ये किस तरीके का राज दिया है इन्होंने। इस राज को अब लोग पलटना चाहते हैं और हरियाणा उसमें एक बड़ी मजबूती के साथ राहुल राज स्थापित करके अपनी अहम भूमिका निभाएगा।